रंगों से सजाई गई नेताजी की यादें। अमर शहीद देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा शहीद स्मारक जबलपुर में आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें कलाकारों ने अपनी कला से नेताजी के अहम हिस्सों को चित्रित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री चौहान ने दिवंगत नंद कुमार चौहान की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपना भाई खो दिया। अपने लाडले नेता को खोने का दर्द आज साहेबपुर के एक एक नागरिक की आंखों में दिखाई दिया। नंदू भैया ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास में न्यौछावर कर दिया। आज उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इमरजेंसी लगने के इतने वर्ष बाद गांधी परिवार के वंशज को अपनी गलती का एहसास हुआ है। इसी तरह आज जो गाली कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है, उसका पश्चाताप भी इनके वंशज शायद आने वाले वर्षों में करेंगे, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। दिवंगत सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने श्री चौहान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडला जिले में प्रारंभ की गई अतिक्रमण से शासकीय भूमि को मुक्त कराने की कार्यवाही। घुघरी, भुआ बिछिया और मोहगांव में इस कार्यवाही के तहत विभिन्न अतिक्रमण हटाए गए। घुघरी में 71 व्यक्तियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और 6.14 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया। विकासखंड घुघरी की ग्राम पंचायत पाटन में आयोजित हुआ अंधत्व निवारण शिविर, जिसमें निःशुल्क लोगों की आंखों की जांच की गई। 59 मरीजों ने अपना पंजीयन शिविर में कराया, जिसमें से 17 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए जौलपुर ले जाया गया। आयुष्मान आपके द्वार अभियान के लिए किया गया बाइक रैली का आयोजन। जिला सत्र न्यायाधीश श्री वाष्णेय ने दिखाई हरी झंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल नेतृत्व में हुआ यह आयोजन। पूर्णिमा रजक ने सीनियर नेशनल चंडीगढ़ में जीता स्वर्ण पदक। बुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई सीनियर नेशनल बुशु स्पर्धा ग्रुप इवेंट में मध्य प्रदेश को मिला सिल्वर पदक। संगीत में 108 सुंदरकांड पाठ का हुआ भुआ बिछा के थाना परिसर में आयोजन। नगर के युवा धर्म प्रेमियों द्वारा किया गया यह सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।